जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में बताने जा रहा हूँ कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम जितने भी स्टूडेंट दे चुके हैं उनके लिए अकाउंट अपडेट करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो आज के स्टूडियो में आपको बताऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे अकाउंट अपडेट करना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, मोबाइल या कंप्यूटर के कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और इसी चैनल के ऑफिशियल एक वेबसाइट है ज्ञान सेवा 24, ठीक है, .com लगाइए या नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, .com भी नहीं लगेगा, और इंटर दबा दीजिएगा। जैसे ही आप इंटर दबाइए कुछ इस तरह की इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे देखिए यहाँ मिल जाएगा www.gyansewa24.com, आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप क्लिक करते हो ड्रैग करके आपको नीचे आना है, लेटेस्ट जॉब में आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि RRB NTPC फी रिफंडेड प्रोसेस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको रीड कर सकते हैं, आ नहीं तो अदरवाइज आपको नीचे आ जाना है। आने के बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा फी रिफंडेड लिंक, ठीक है। आप नोटिस देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। और ये 11 से 31 अगस्त तक आपका डेट दिया हुआ है, मैं आपको रिफंडेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक। यहाँ से आप सोशल लिंक से हमसे जुड़ सकते हैं। आप क्लिक हीयर पे यहाँ देखिए मिलेगा आपको, क्लिक हीयर पे क्लिक करके क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो कुछ इस तरह की इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ रोल नंबर डालने के लिए, यानी कि जितने भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम अटेंड किए हैं CBT 1 में, ठीक, उनके पास तो रोल नंबर ज़रूर होगा, तो आपको रोल नंबर यहाँ डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, और मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर 6 डिजिट के OTP डाल देना है। अगर OTP नहीं है तो यहाँ क्लिक करके आपको ये जो कैप्चा है यहाँ पे डालकर और लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक। सबसे पहले आपको रोल नंबर, अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे रोल नंबर डालते हो फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ, तो आपके मोबाइल नंबर पे या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक 6 डिजिट का OTP जाएगा, ठीक है। अगर मिला हुआ तो ठीक है, नहीं मिला हुआ तो नॉट रिसीव OTP पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ और भी ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आप मैट्रिक का रोल नंबर आपको डालना होगा ताकि वो वेरीफाई कर चुके कि आप ही हो, ठीक। और यहाँ से फादर्स नेम डाल देना है, और ये जो कैप्चा है यहाँ पे क्लिक करके मतलब लिख के लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। चलिए मैं टोटल डाल देता हूँ, ठीक। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन करते हो कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाइएगा, मतलब लॉगिन पे क्लिक करते हुए, तो देखिए यहाँ से आपको रोल नंबर, नेम, मदर्स नेम, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, और यहाँ ईमेल आईडी आ जाएगा। आपको यहाँ सबसे पहले बैंक का नाम लिख देना है, उसके बाद बैंक होल्डर नेम यानी कि खुद का अपना नाम लिख देना है, IFSC कोड लिखना है, यहाँ से दोनों में अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, फिर यहाँ से ब्रांच नेम डालकर और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं टोटल को फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं दोस्तों टोटल डिटेल को फिल कर लिया हूँ, एक मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एज फॉर गवर्नमेंट रूल इज इट इज नेसेसरी डैट अकाउंट इज द नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट का ही अकाउंट होना चाहिए, वहीं आपको फिल करना है, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाइएगा। एक बार आपको करना क्या है, एक बार अपने डिटेल को मिला लेना है, अगर सही है तो कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है यहाँ टिक करके, ठीक। और गलत आपको लग रहा है तो एडिट पे क्लिक करके आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए मैं एक बार जांच कर लेता हूँ, मतलब मिला लेता हूँ, उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों मेरा डिटेल टोटल सही है, मैं कन्फर्म एंड सबमिट पे मैं क्लिक कर दूँगा। दोस्तों जैसे ही आप कन्फर्म एंड सबमिट पर आप क्लिक करते हो, देखिए यहाँ बैंक डिटेल सेव्ड सक्सेसफुल आ जाएगा, आपको यहाँ क्लोज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करते हो हूबहू आपको स्टार्टिंग में फिर भेज दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।